ये बताइए आज आर्ग्यूमेंट बहुत खास जरूर नहोती कारण के आ बहुत फॉर्मेलिटी वालू काम छे परंतु मेन एनो इश्यू ये छे के 2 वर्ष नी सजा छे अने अपील चलता वार लागती होय छे एटले So that is, in fact, a member of Rahul Gandhi's legal team there explaining right now what's happened in court. He's confirmed for us that as far as the bail issue is concerned, the bail case, that will come up in 10 days from now on April 13th because Rahul Gandhi's bail has essentially been extended till that date, after which again his legal team will have to push. We don't know yet if Rahul Gandhi will have to appear in court for that particular hearing. But besides that, as far as the suspension of sentence is concerned, that holds because the court has said that when we decide on the stay on conviction, the sentence remains suspended. So Rahul Gandhi will not go to jail, and that is a big, big relief for him by itself. But the hearing, the stay on the conviction is the most crucial aspect for Rahul Gandhi and for his political career. Because if he is to return to the Lok Sabha as a member of parliament, if the disqualification is to be declared null and void, he has to get a stay on the conviction. That hasn't happened yet. Gopi Maniar is getting us a reaction from Rahul's legal team. अंजना देखिए सुनवाई को लेकर देखिए अंजना सुनवाई को लेकर जो राहुल गांधी के वकील है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि लगातार वो बोल रहे हैं लगातार आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट के अंदर की है तो यहाँ पे हमारे साथ जो किरीट पानवाला के जो बेटे हैं वो यहाँ पे मौजूद है उनसे बात करते हैं सर बताइए क्या कोर्ट ने कहा आप लोगों की ओर से आर्ग्यूमेंट क्या कहा राहुल गांधी के वकील आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13th डेट वो पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाई की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट 3 मई अभी कुछ नहीं 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को काम कार्यवाही होगी 13 को क्या होगा क्या आर्ग्यूमेंट होगी कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है जिनकी वजह से उनका सभासद कैंसल हुआ है तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई खत्म कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए ये कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा ये अंजना ये थे किरीट पानवाला के बेटे थे जो कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे राहुल गांधी की ओर से These are live images that we're getting to you right now of Rahul Gandhi and Priyanka seated inside that bus along with senior Congress leaders waving at the Congress supporters who've gathered there at the Sessions Court. Rahul Gandhi is now making his way back to the Surat airport. He's going to be flying back to Delhi this evening along with the entire Congress leadership, the coterie that accompanied him to the Surat Sessions Court. He with his sister there, Priyanka, seen waving at the crowds. All of them coming together to show this message to Rahul Gandhi that we're with you. A 15-minute court appearance, mind you, for which we've seen Congress leaders cutting across state lines, coming together in Surat to show Rahul Gandhi that they stand with him.